जय श्री कृष्णा दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 1 अगस्त 2023 को सावन अधिक मास की पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस खास अवसर पर स्नान दान और शुभ कार्यों से घर में सुख शांति आती है। स्नान और दान से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से धन और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। चलिए जानते हैं आज सावन के अधिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की कृपा पाने के लिए कुछ खास विशेष उपाय जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, आपने क्या करना है। जैसे कि सावन मास अधिक मास की पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे चंद्रमा अपने 16 कलाओं में होते हैं, तो इस दिन रात्रि में जरूर से जरूर कच्चे दूध को आप एक लोटे जल में मिलाकर चंद्रदेव का अर्घ्य जरूर दें। इससे आपको निरोगी काया प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। जैसे कि चंद्रमा को माँ का प्रतीक माना जाता है, तो पूर्णिमा के दिन आप अपनी माँ से, जब अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपनी माँ से आप एक मुट्ठी चावल ले लीजिए। आपकी माँ आशीर्वाद देते हुए आपके हाथ में एक मुट्ठी अगर चावल दे दे, उस मुट्ठी चावल को आप क्या करें, लाल कपड़े में बांध कर अगर पूर्णिमा की रोशनी पूरी रात रख देते हैं और अगले दिन उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो आपको अपनी माँ का, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। चावल जैसे कि माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, तो आप जरूर से जरूर ये उपाय अवश्य करें। तो सावन मास की पूर्णिमा पे दूध मिश्रित जल लें और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डालकर पीपल के पेड़ में जरूर चढ़ें। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन 10:30 बजे सुबह के समय में माँ लक्ष्मी साक्षात पीपल के वृक्ष पे वास करती हैं। अगर आपको धन प्राप्ति करनी है तो 10:30 बजे सुबह के समय पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में जरूर से जरूर कच्चा दूध और कुछ मीठा मिला के जल चढ़ाएं। गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएंगे तो माँ लक्ष्मी को लाल रंग के फूल बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है, तो जरूर से जरूर कच्चे दूध के अंदर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां और कुछ मीठा डाल के अगर आप पीपल की जड़ में चढ़ा देते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो आपके घर में स्थिरवास करती हैं और लक्ष्मी आने के आगमन आपके घर में शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पूर्णिमा का दिन है, इस दिन सत्यनारायण स्वामी की कथा अगर आप कर सकते तो जरूर करें। इस दिन आप आटे की पंजीरी बना के उसमें तुलसी का पत्र डाल के भगवान श्री विष्णु को भोग जरूर लगाएं और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। इससे भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर में हर तरह की सुख सुविधाएं, बरकत आपको प्राप्त होती है। विवाह में अगर बाधाएं आ रही हैं तो जैसे कि इस दिन मंगलवार के दिन ये पूर्णिमा का व्रत पड़ रहा है, तो जैसे कि सावन के जितने मंगलवार होते हैं उस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए इस दिन माँ गौरी को 16 सिंगार अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके विवाह की अड़चने बाधाएं अवश्य दूर होती हैं। तो इस तरह से ये उपाय आप जरूर से जरूर करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अब एक खास उपाय, महा उपाय जो मैं आज आपके लिए लेकर आई, वो आपने करना क्या है। जैसे कि आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसा आता है टिकता नहीं है, पैसा आने में कोई कमी नहीं है, पैसा आ रहा है, तो आपने करना क्या है, इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख ले ले। दक्षिणावर्ती शंख के अंदर आप चावल भर के अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष रख दे। जैसे कि शंख माँ लक्ष्मी के भाई के स्वरूप में माना जाता है, तो अगर दक्षिणावर्ती शंख से सबसे पहले अगर आप भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का दूध के अंदर केसर मिला के अभिषेक करते हैं तो भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी भी। और इसके अंदर आपका चावल अक्षत भर के रख देते हैं पूरे दिन के लिए और अगले दिन इसे उठाकर आप लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो इससे आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और आपके घर में लक्ष्मी टिकने लग जाती है जो टिक नहीं रही है। और जैसे कि पूर्णिमा का दिन है तो इस दिन तुलसी की पूजा आराधना करना भी बिल्कुल ना भूलें। तुलसी के समक्ष आप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ में पीपल के वृक्ष पे भी शुद्ध देसी घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके समक्ष घी का दीपक ही जलाया जाता है, तो इस तरह से आपने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और तुलसी की माला से संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना है। इससे भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होंगे, आपके घर में जितनी भी समस्याएं वो सारी दूर होंगी और आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा अवश्य पूर्ण होंगी। तो इस दिन जरूर से जरूर ये छोटे छोटे से उपाय अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह की जानकारी के साथ और अद्भुत अनोखे विचित्र उपायों के साथ में। जय श्री कृष्ण।